दहेज की खातिर मारपीट करके महिला को घर से बाहर निकालने के मामले में पुलिस द्वारा पति और सास ससुर पर केस तो दर्ज कर दिया है, परंतु उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित पिता ने आरोपी पुलिस कमिश्नर से गिरफ्तारी की मांग की। मनिंदर पाल सिंह ने पत्रकारों को बताया कि बेटे सज्जन कौर की शादी वर्ष 2018 में हुई थी। शादी के बाद उसका पति और सास ससुर उसे दहेज की खातिर तंग परेशान करने लगे थे। पुलिस ने कथित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, परंतु उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी ए मनिंदर जीत सिंह जी प्रिंस जी ने जो बिल्कुल साड़ी एसोसीएशन दे नाल मेंबर भी ने ते नाल साड़े महल्ले दे विच रहिंदे ने, इन्हां दी बेटी दा पिछले 3 साल तो 2 साल तो लगातार जो डिस्प्यूट चल रहा, तो उहदे वास्ते इन्हां ने बड़ी कोशिश की कि बेटी का घर वस जाए, पर दूसरे बन्नों कोशिश नहीं की गई कि उस घर नूं वसाया जा सके। उहदे लई इन्हां ने मनीषा गुलाटी जी नूं भी अप्रोच किया, होर भी बड़ियां थावां ते अप्रोच किया कि कितें बैठ के इहनूं सॉर्ट आउट किया जाए, पर जदों इन्हां दी मुश्किल बहुत ज़्यादा वध गई ते इन्हां ने पुलिस दे विच कंप्लेंट की, जिहदे विच लड़के वाले दे परिवारिक मैंबरां दे 3 जणियां ते FIR दर्ज हो गई है। हुण असीं अपने संगठन वालों, अपनी NGO वालों, अपने एसोसीएशन वालों मंग करते हाँ पुलिस डिपार्टमेंट नूं कि उन्हां दी जल्द तो जल्द गिरफ्तारी की जाए, तो इन्हां दी बेटी नूं ते इन्हां नूं जो बंदा इंसाफ दवाया जाए। मनिंदर पाल जी की मामला जी तुहाडी बेटी दा मामला इस तरह जी कि शादी उहदी कीती 3 साल पहलां, फैमिली अपने वालों तो असीं बहुत अच्छी समझी सी, चीफ दीवान दे मैंबर हैगे जी, चंगा रिपोर्टेड फैमिली है जी, अच्छे बंदे लगते हैं, पर थोड़ा टाइम रुकन तो बाद पता लगा कि नहीं सिर्फ गल्लां ही आ सी जी। उन्होंने बच्ची नूं बहुत परेशान करना शुरू किया, हर वेले दहेज की मांग मंगी जानी, हर वेले उन्होंने तंग परेशान करी जाना, मैंटली टॉर्चर करने की कोशिश करनी, हर तरह की उन्होंने उन्होंने मुश्किल पैदा करने की कोशिश की। उस तो बाद असी मैडम मनीषा गुलाटी को गए, उन्होंने असी अप्रोच किया, उन्होंने सानू कहा कि मतलब जी मैं इन्होंने पहले ही एक दिन पहले ही सानू अप्रोच कर लिया कि असी जी इस तरह करते हैं कि तुहाडा पैचअप कर दें, तुसी उन्हूं वक्खरा कमरा लैके दें बेटी नूं ते वो अपना वक्खरा कर दें। अही क्या चलो ठीक है, सानू मतलब तो यही सी कि बच्ची अपने घर खुशी वसे, खुशी रवे ते अच्छी जिंदगी जीवे, पर उन्होंने सिर्फ फॉर्मैलिटी सिर्फ प्रैशर चा के ही उन्हों वक्खरा किया, कमरा किराए ते लैके दिता, ना उत्थे कोई सुख सुविधा सी, बिल्कुल ना फॉर्मैलिटी की सी, ना कन्वेंस, ना कोई वाशिंग मशीन, ना कोई उत्थे इनवर्टर वगैरह, इन्नी गर्मी दे विच उन्हें कल्लिया उत्थे बड़ा थोड़ा समा इन्होंने आपनू देना उत्थे, ते कुसे भी गल दी मुश्किल आनी ते मैनू नहीं पता जी, यही तो वक्खरा करता जी, तुहानू सिर्फ एक गोंगला तो मिट्टी झाड़न वाला काम किया, उन्होंने 10,000 रुपया सिर्फ महीना दिता जाता ही, वो ही तू किराया देना, वो ही तू मतलब ना अपना बिजली का बिल देना, तो घर के सारे खर्चे वो ही करने। की नाम से इन्होंने हसबेंड का? उन्होंने हसबेंड ना गगनदीप सिंह सी बेटी दे, तो इंद्र सिंह हरजीत सिंह फर्म है जी, बांसल बिहार उन्होंने काम से, तो सानू तो यही लगता ही कि अच्छे बंदे ने, तो असी भी इस करके उन्होंने नाल पूरा जिस तरह भी उन्होंने सानू किया अच्छी रोटी खाना किया, अच्छा उन्होंने सब कुछ जो भी उन्होंने मिल वर्तन लिए दसिया, असी बड़ा सही ढंग सारा किया, जिस तरह सानू किया गया उस तरह वो अच्छी मैरिज की। पुलिस नूं कंप्लेंट असी पहला नहीं की, असी तो जी मनीषा गुलाटी मैडम को वूमेन सैल के ही कंप्लेंट की, उन्होंने सानू एक दिन पहला ही अप्रोच कर लिया कि और शायद डरदे मारे कि लै भी पुलिस केस बन गया वे तो मुश्किल हो जाएगी, तो तद ही उन्होंने एक दिन पहला सानू मिल के सानू यह कहा कि जी असी पैचअप कर लें, तो मतलब कि आप एक बच्ची कमरा वक्रा लै दें, असी उन्होंने कहा कि उपर तुहाडे कोल अच्छा बनया है अपना कोठी है, RB स्टेट के जिन्हें कोठी थी उपर पोर्शन वधिया बनया, नहीं जी असी वक्रा ही रखना जी, वो सिर्फ अपनी स्किन बचाने लिए है काम किया गया, सिर्फ फॉर्मैलिटी की गई थी, फॉर्मैलिटी खत्म हो गई बस। हूँ उन्होंने 3 बंद एक उन्होंने मदर जिहदा सब तो वड्डा रोल है घर को खराब करने के, एक वो फादर तो एक बेटा अजे तक पुलिस ने कोई भी अरेस्ट नहीं पाया जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, अजे तक भी कुछ भी नहीं होया जी। असी तो यही डिमांड करांगे इंसाफ मिले साड़ी बच्ची दे नाल, जो भी नजायज होया धक्का होया इंसाफ होना चाहिए।